गाइस फाइनली मेरा बैंगलोर ट्रिप ओवर हो रहा है और मैं आया हूँ टर्मिनल 2 पे एंड हियर इज द एयरपोर्ट जस्ट हैव अ लुक। सो टर्मिनल 2 इज़ बेसिकली एक नेचर को प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये टर्मिनल 2 और मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में भी। सो अंदर से जाते हैं, देखते हैं कैसा है एयरपोर्ट। मैंने तो देख चुका हूँ ऑलरेडी, आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ वॉट टर्मिनल 2 इज़ ऑल अबाउट, जस्ट हैव अ लुक। ये मैं अभी थर्ड फ्लोर पे जाऊंगा बिकॉज थर्ड फ्लोर इज फॉर डिपार्चर। जस्ट हैव अ लुक गाइस, अमेजिंग। और एक और चीज़ है जो मैंने अब तक आपको दिखाई नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। दिस इज द एंटायर एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जस्ट हैव अ लुक। तो इतनी सारी ग्रीनरी और इससे हम लोग को एक सीख मिलती है कि हम लोग को भी प्लांट लगाना चाहिए टू सेव आवर एनवायरनमेंट। जस्ट हैव अ लुक। तो अभी जाते हैं अंदर और करते हैं हम लोग का चेक इन प्रोसेस। सो गाइस सी दिस, दिस इज द वॉकवे कवर्ड विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी सीन्स एंड हियर वी एंटर टर्मिनल 2, जस्ट हैव अ लुक गाइस। लकीली आज एयरपोर्ट भी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है सो मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, फर्स्ट ऑफ मैं पहले चेक इन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाऊँगा। बट अमेजिंग एयरपोर्ट गाइस, अमेजिंग एयरपोर्ट। सो भाई लोग, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे और उसी के चलते मेरा चेक इन नहीं हुआ अभी तक। एज यू कैन सी लगेज मेरे पास अभी भी है। सोचा था बहुत जल्दी चेक इन कर लूँगा, फ्री हो जाऊँगा लगेज से और आराम से बैठ के थोड़ा कुछ लाउंज में खा लूँगा, बट यहाँ पर अब तक चेक इन खुला ही नहीं है। सो उसके बाद अभी मैंने इनसे पूछा कि कहाँ पर चेक इन काउंटर एंड ऑल एवरीथिंग। सो बोर्ड पर दिखा रहा है सी कॉलम एंड डी कॉलम, तो वहाँ पर मैं गया। उन्होंने बोला सर आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया नहीं है, तो आप लास्ट काउंटर पर जाओ। तो अभी लास्ट काउंटर पे गया तो वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं अभी काउंटर खुलेगा, अब क्यू में खड़े रहो। मतलब यार जल्दी आने का भी फ़ायदा नहीं हुआ, इससे अच्छा तो मैं लेट आता था। चलो ठीक है, अभी जाते हैं चेक इन कराते हैं। बैग का वज़न तो कर दिया है, इट्स 12 kg, तो कुछ है नहीं, वरना अगर 15 kg के ऊपर हो जाता तो बॉस लग जाते थे मेरे। चलो ठीक है, अभी जाते हैं चेक इन कराते हैं एंड सी यू इन द लाउंज देन। सो फाइनली बोर्डिंग पास इज़ डन, चेक इन डन। एंड सी दिस व्यू गाइस, दिस इज द वॉकवे और ये पूरे रियल प्लांट्स है और ऊपर भी। सो अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। टायर्ड बहुत हूँ, कुछ खाया नहीं अभी क्योंकि दोपहर को मैंने जो लंच किया था वही। तो अभी जाते हैं लाउंज में, पहले सिक्योरिटी चेक फटाफट करते हैं, फिर लाउंज में जाते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद फाइनली मैं थोड़ी देर बैठूँगा बिफोर द बोर्डिंग स्टार्ट्स। माई ओवरऑल ट्रिप वॉज गुड बैंगलोर का। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस्कॉन टेम्पल मस्ट विज़िट है। दो तीन चीज़ें हैं अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, लाइक एक हफ्ते के लिए अगर आप आ रहे हो तो दैट इज़ गुड, बट दो चार दिन में आप यू कैन नॉट एक्सप्लोर बैंगलोर, यू नीड एटलीस्ट 1 week टाइम। और प्रॉपर विजिट के लिए ना आपको एक हफ्ता ही चाहिए क्योंकि एक हफ्ते में आप बहुत सारी प्लेसेज जो कवर कर सकते हो। तो आप आइए यहाँ पर और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। तब तक मैं जाता हूँ सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ। सो फाइनली डन विथ सिक्योरिटी चेक और यहाँ पर है मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप, बट अभी कॉफ़ी नहीं पीनी है मुझे, मुझे भूख लगी है। और ये है एंटायर टर्मिनल 2 का वे। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स गेट नंबर D5। सो गेट नंबर D5 पे जाते हैं और वहाँ पे पहले तो बैठ के कुछ खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे आपको, रेस्टोरेंट्स, बार। बैंगलोर इज़ नोन फॉर बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। मैं जब बैंगलोर में था मैंने बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट्स देखे और वहाँ पे कितने सारे शीशा, देन द क्राउड, द वाइब एंड ऑल एवरीथिंग जो होता है वो सब देखा। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बैंगलोर यू ओ माई हार्ट। और यहाँ पे देखिए 08 लाउंज, आई गेस ये वाला ही है। तो इधर जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं उनको क्या क्राइटेरिया है, क्या है एंड ऑल एवरीथिंग। ओके सो लेट्स गो।
फाइनली वी आर डन विथ आर डिनर। लाउंज में बहुत गर्दी थी तो वीडियो निकालने का टाइम नहीं मिला, बट आई कैन टेल यू काफ़ी अच्छा स्प्रेड था और मेरा पेट अभी फुल पैक है। अभी थोड़ी एनर्जी आई है, अभी थोड़ा बात कर सक रहा हूँ। सो भैया बिहाइंड यू कैन सी मी, ये पूरा D5 है। तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े हैं, तो अभी मैंने देखा एमिरेट्स का खड़ा है, विस्तारा खड़ी है। सो जस्ट वेटिंग, 11:25 का डिपार्चर है और एयरक्राफ्ट आएगा। बाय 1:20 मैं मुंबई लैंड करूँगा, और मुंबई लैंड करते ही सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ वो है अपना प्रॉपर एक अच्छा गर्म कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि तभी मेरे को एनर्जी आएगी। बिकॉज पूरा रात मेरे को मुंबई एयरपोर्ट पे रुकना है, क्योंकि सुबह फिर घर जाऊँगा। मैंने पहले सोचा कि मैं इसे कैब से चले जाऊँगा, बट फिर आई थॉट कि क्यों भी जाना है कैब से, लेटर ऑन आई थॉट कि जाते हैं सुबह को ही जाते हैं। बट ओवर यस सी दिस, यहाँ से क्लियर व्यू मिला है। आई डोंट नो आप लोग को दिखेगा कि नहीं, क्योंकि मिरर से वो प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एमिरेट्स का प्लेन खड़ा है, एक दिन इसमें भी जाना है अपने को। और यहाँ पर विस्तारा ये सब खड़े हैं, लेकिन एमिरेट्स में एक दिन जाना है। एक दिन क्या, अभी एमिरेट्स में ही जाना है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ पॉज, और आपको मिलता हूँ डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में, बिकॉज थोड़ी देर मेरे को रेस्ट करना है। सो एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए पूरा एयरपोर्ट खाली है। तो चलिए मिलता हूँ आपको एयरक्राफ्ट में। सो फाइनली बोर्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट। यहाँ पे विस्तारा का रुका है एक और एयरक्राफ्ट, और यहाँ पर वी आर बोर्डिंग फॉर द एयरक्राफ्ट नाउ। अब तो बस जाके सिर्फ एयरक्राफ्ट में बैठना है, अभी और शक्ति नहीं बची है। मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ कि कैसा है, बट फिर भी देखते हैं। ऑन टाइम लैंड होना चाहिए बस। So this is the aircraft. Just a second. There's a long queue over there. So as you can see, ये है Air India Express की seats. Seats थोड़ी premium है, और ये window seat. सामने दूसरे aircrafts खड़े हैं। I've already boarded the flight, और यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया है, just waiting for take off. Wings के बाजू में ही मेरी सीट है, so वैसे भी रात का टाइम है तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, बाहर व्यू मिले नहीं मिले। तो इसके लिए मैंने मिडिल सीट ले ली आते टाइम भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि रात का टाइम ही है और ज़्यादा कुछ खास व्यू मिलेगा नहीं। एंड इट्स ईजी फॉर मी ऑल्सो, थोड़ा रिक्लाइन करके मैं सो सकता हूँ। बाकी आप तो देख ही रहे हो कितना टायर्ड हो गया हूँ मैं, आँखों में पूरी नींद भरी है। तो 1-1.5 आवर में सो जाऊँगा। बॉम्बे लैंड करके एक अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ बॉम्बे का भी, एंड फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी मेरी, बॉम्बे टू बैंगलोर, बैंगलोर टू बॉम्बे। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करो, शेयर करो, बिकॉज दैट विल इंकरेज मी ऑल्सो। एंड मैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान करने वाला हूँ दैट आई विल लेट यू नो गाइस सून। तब तक ले बॉम्बे में मिलते हैं। सो फाइनली लगेज कलेक्ट कर लिया है, कुछ मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा लगेज के लिए, तो लगेज तो हो गया। अभी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वेटिंग रूम में मैं थोड़ा वेट करूँगा, हुआ तो लाउंज में जाके थोड़ी देर आराम कर लूँगा, क्योंकि लाउंज एक्सेस तो वैसे भी है। तो लाउंज में जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और सुबह को जैसे ही मेट्रो स्टार्ट होती है वैसे ही घर के लिए निकलते हैं। सो लेट्स कीप दिस ब्लॉग टिल हियर,
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिए, और मुझे इनक्रेज करते रहिए न्यू ब्लॉग्स के लिए. एंड सी यू सून ऑन अ न्यू जर्नी, न्यू ट्रिप. टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस. बाय बाय.